चूंकि हमारे पास मोहतरमाएं हैं, तंज मजाह के शायर हैं और बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले शायर भी हमारे बीच मौजूद हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको एक छोटा सा ब्रेक यहां दे दूं। हमारे बीच सिवान हसनपुरा से चलकर एक तंज मजाह के शायर हमारे बीच मौजूद हैं। आप जानते हैं कि तंज मजाह, मैंने कई बार बताया है आपको कि तंज मजाह दो तरह से पैदा होते हैं, या तो परले दर्जे की बेवकूफी हो या नहायत ही अकल की बात कही जाए, दोनों से मजाह पैदा होता है। मिसाल के तौर पर गालिब के बारे में मशहूर है कि गालिब को आम बहुत पसंद था। एक बार का वाकया है कि वो आम खाकर छिलका जमीन पर फेंके हुए थे। उनके एक दोस्त थे जो आम बिल्कुल नहीं खाते थे, वो भी वहीं बैठे हुए थे। उन्होंने गालिब का मजाक उड़ाना चाहा, कहा कि हाँ हुआ ये कि एक धोबी गधा लेके जा रहा था, आम का छिलका पड़ा हुआ था, गधे ने छिलके को सूंघा और छोड़ दिया। तो गालिब के दोस्त को मौका मिला कि इनको बेवकूफ बनाया जाए। कहा कि गालिब साहब, देख रहे हैं आम ऐसी चीज है कि गधा भी नहीं खाता। गालिब ने कहा कि आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, जो गधे होते हैं आम नहीं खाते, चूंकि वो आम नहीं खाते। ये हाजिर जवाबी थी उनकी। और एक बात और सुन लीजिए बेवकूफी। एक आदमी की शादी हुई, जब विदाई होने लगी तो उनकी सालियां उनके नजदीक आईं, आकर सब रोने लगी, कहने लगी कि जीजा जी हमारी बहन का ख्याल रखिएगा, देखिएगा उसे कोई तकलीफ ना हो। बेचारे दुल्हा मियां भी बड़े भावुक थे, वो भी रोने लगे और उनको कहने लगे कि आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपकी बहन का पूरा ख्याल रखूंगा, जैसे वो आपकी बहन है वैसे मेरी भी बहन है। तो इसी तरह का एक शायर हमारे बीच मौजूद है जो नहायत ही बेवकूफी वाली बात करता है। मैं हुल्लड़ मुरादाबादी के चार मिसरों से उसको आवाज देना चाहता हूं कि आईना उसको दिखाने की जरूरत क्या थी, और वो है बंदर ये बताने की जरूरत क्या थी, और वो जो चुपचाप ही रहता तो जरा कम पिटता, बाप का नाम बताने की जरूरत क्या थी। माइक पर जनाबे परवेज अशरफ। हजरात नाज़िमे मुशायरा, कई तरह की बात कह के गए। इन्होंने कहा कि बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले लोग डाइस पे मौजूद हैं, शायद खूबसूरत दिखने वाला सिर्फ मैं ही हूँ जो मुझे बुला लिया है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत। तो नाज़िमे मुशायरा अख्तियार है, ये कुछ भी कह सकते हैं, छूट है। इन्होंने कहा कि चोर दरवाजे से गया है, तो हमारे जैसे शरीफ लोग जब ये महसूस करते हैं कि इज्जत खतरे में पड़ सकती है तो चोर दरवाजे का ही इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने भी किया। चार मिसरे मुलाहजा करें, इन्होंने जो बात की मैं उसकी ताईद में ये चार मिसरे पढ़ रहा हूँ कि जरा भी तुमको न शर्म आई, जरा भी तुमको न शर्म आई, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, जरा भी तुमको न शर्म आई, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, चटाई मस्जिद से क्यों चुराई, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, जरा भी तुमको न शर्म आई, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, और चटाई मस्जिद से क्यों चुराई, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। और तवज्जो के इसी बरस को हुई है शादी, अभी से ये इख्तलाफ क्यों है, क्या बात है, इसी बरस को हुई है शादी, अभी से ये इख्तलाफ क्यों है, अलग है दोनों की चारपाई, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, क्या बात है, वाह 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 वाह, अलग है दोनों की चारपाई, क्या बात है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। और
मोहब्बत का शेर सुन रहे थे, चार मिसरे मोहब्बत के हवाले से भी मुलाहजा करें कि खुद को कसूरवार किया है तो रोइए। क्या बात है, खुद को कसूरवार किया है तो रोइए, उस बेवफा से प्यार किया है तो रोइए। क्या बात है, क्या बात, खुद को कसूरवार किया है तो रोइए, उस बेवफा से प्यार किया है तो रोइए, और जिसके लिए जनाब के कदमों में थी जगह उसको गले का हार किया है तो रोइए। क्या बात है, जिसके लिए जनाब के कदमों में थी जगह उसको गले का हार किया है तो रोइए। और ये चार मिसरे मुलाहजा करें तो जो चाहूंगा के उसको उसको कहां परवाह मेरी तशना लबी की, उसको कहां परवाह मेरी तशना लबी की, हर जाम पे अग्यार का ही नाम लिखा है। उसको कहां परवाह मेरी तशना लबी की, हर जाम पे अग्यार का ही नाम लिखा है, और लगता है मेरी खैर नहीं आज भी अशरफ, फिर उसने हथेली पे मेरा नाम लिखा है। क्या बात है, वाह वाह, लगता है मेरी खैर नहीं आज भी अशरफ, फिर उसने हथेली पे मेरा नाम लिखा है। और वो गली से लौट आए और मकाम तक न पहुंचे, वो गली से लौट आए और मकाम तक न पहुंचे, ये फसाना है हिमाकत भी अवाम तक न पहुंचे। वो गली से लौट आए और मकाम तक न पहुंचे, ये फसाना है हिमाकत भी अवाम तक न पहुंचे, और तेरी बज्म से है गायब कई शायरों के जूते, मुझे डर है कि ये तोहमत मेरे नाम का। क्या बात है, तेरी बज्म से कई शायरों के जूते, मुझे डर है कि ये तोहमत मेरे नाम तक न पहुंचे। और चार मिसरे और मुलाहजा करके इजाजत चाहूंगा के अरे पढ़िए जी, पढ़े पढ़िए पढ़िए, ये तक पढ़िए, हमको लगा कि ये कह रहे हैं कि जब तक आप ठंडे ना हो जाएं तब तक पढ़िए। तो खैर ये चार मिसरे मुलाहजा करें कि हम नए बनने की ख्वाहिश में पुराने हो गए, हम नए बनने की ख्वाहिश में पुराने हो गए, और जो हमसे हुए वो सबसे आने वाले। हम नए बनने की ख्वाहिश में पुराने हो गए, और जो हमसे हुए वो सब से आने हो गए, और हैंडसम बनने की हसरत में हमारे नौजवान मूछ और दाढ़ी मुड़ा के दरमियाने हो गए। क्या बात है, वाह 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 वाह, दरमियाने हो गए। और ये फैजी साहब की एक गजल है, उस पर मैंने भी कुछ कहने की कोशिश की है, चार मिसरे मुलाहजा कर लें। मैं पहले इसलिए पढ़ दे रहा हूँ कि फैजी साहब पढ़ेंगे तो लोग ये समझेंगे मैंने चोरी की है। अब मैं पहले पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब फैजी साहब ने चोरी की है। कि तुम्हारे शहर में किसकी रकाबत रंग लाती है, वाह, तुम्हारे शहर में किसकी रकाबत रंग लाती है, भला वो कौन है जो बदला दूना फेर देता है। वाह, तुम्हारे शहर में किसकी रकाबत रंग लाती है, भला वो कौन है जो बदला दूना फेर देता है, और रोजाना मैं तेरी तस्वीर कालिक से बनाता हूँ, कोई कम्बख्त उस पे रोज चूना फेर देता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह, रोज चूना फेर देता है। और बहुत ही टॉप का जूता है, क्या किया गया, क्या बात है जी, मैं आपका तजुर्बा मैं बयान कर रहा हूँ। बहुत ही टॉप का जूता है, क्या किया जाए, उन्हीं के नाप का जूता है, क्या किया जाए, बहुत ही टॉप का जूता है, क्या किया जाए, उन्हीं के नाप का जूता है, क्या किया जाए, और जमाने वालों का होता तो जंग हो जाती, सनम के बाप का जूता है, क्या किया जाए। क्या बात है, ये थे जनाब परवेज अशरफ साहब जो तंज मजाह के तीर चला रहे थे और आपको गुदगुदा रहे थे, हंसा रहे थे। हमारे बीच कलकत्ता से आए हुए एरम अंसारी साहब भी हैं जो बड़े बड़े मुशायरों
में अपने अशआर पेश करते हैं, वो भी उनको भी आप लोग सुनेंगे। मैं एक बात बता दूं कि ये जो मुशायरा है ये सौहार्द और हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर इसको रचा गया, इसको इसका एहतमाम किया गया और आपने देखा कि हिंदी और उर्दू का मुकाबला कराया गया। और मुझको खुशी है कि इस महफिल में जहां फुलेश्वर कानू जी मौजूद हैं, वहीं हमारे हरेंद्र जी चेयरमैन भी मौजूद हैं और वो आरपी ज्वेलर्स और वो आरपी ग्रैंड होटल के मालिक मौजूद हैं, ये सारे लोग मौजूद हैं। बड़ी खुशी हो रही है और मुझको याद आ रहा है वो बेतिया के शायर थे हमारे मंजर सुल्तान साहब, उनका शेर याद आ रहा है कि राम सिंह शेर खान कहते हैं, दो बदन एक जान कहते हैं। राम सिंह शेर खान कहते हैं, दो बदन एक जान कहते हैं, हम जो बैठे हैं आज मिलजुल कर इसको हिंदुस्तान कहते हैं। ये हिंदुस्तान है और इसी हिंदुस्तान की जरूरत है और इसी इस हिंदुस्तान को आप इस तरह के मुशायरों में ही पा सकते हैं। तो आज हम सब यहाँ मिलजुल कर बैठे हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है।